الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسماكم المسلمين من قبل صدق الله العظيم المسلم أخو المسلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده وقال النبي صلى الله عليه وسلم मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों और साथियों, मेरी पर्दा नशी माओ और बहनों, मेरे अजीजों, आज हमारे माशरे के अंदर जो खुराफात, जो बिगाड़ चल रहे हैं, घर के अंदर हमारे दीन नहीं, बोलने का सही अंदाज नहीं, बात किससे किस तरीके से की जाती है, बड़ों से किस तरीके से बात की जाती है, छोटों से किस तरीके से बात की जाती है, माँ से किस तरीके से बात की जाती है, बाप से किस तरीके से बात की जाती है, आज हमारे घरों के अंदर ये सलीका नहीं है। और सबसे बड़ा बिगाड़ आज हमारे मुआशरे के अंदर ये चल रहा है कि लोग क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को क्या ताना मारते हैं। सुन्नी लोग बरेली को, सुन्नी लोग वहाबी को, वहाबी लोग बरेली को, बरेली लोग अहले हदीस को, अहले हदीस लोग वहाबियों को, वहाबी लोग अहले हदीसों को ताना मारते रहते हैं, वो सही नहीं है, फला सही नहीं है, फला सही नहीं है, फला सही नहीं है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, याद रखो, अल्लाह तबारक व तआला, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम के अंदर क्या फरमाया। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, सुन लो मेरे भाइयों, ओ सुन्नी वालों, ओ वहाबियों, ओ सुन्नियों, ओ अहले हदीसों, सब कान खोल कर सुन लो, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम के अंदर क्या इरशाद फरमाया। हुआ सम्माकुम अल मुस्लिमीन मिन क़ब्लु तुम आपस में सारे मुसलमान भाई भाई हो। तर्जुमा इसका ये है, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम के अंदर साफ साफ फरमा दिया, हुआ सम्माकुम अल मुस्लिमीन मिन क़ब्लु, आपस में तुम सब मुसलमान, चाहे तुम सुन्नी हो, चाहे तुम वहाबी हो, चाहे तुम अहले हदीस हो, तुम आपस में सारे मुसलमान भाई भाई हो, चाहे झोपड़ियों का रहने वाले हो, चाहे महलों का रहने वाले हो, चाहे तुम बादशाह हो। मेरे मोहतरम बुजुर्गो, दोस्तों, आपस में तुम सारे मुसलमान भाई भाई हो, किसी को हकीर की नजर से मत देखना। अगर कोई छोटे तबके का रहने वाला हो, छोटे घर का रहने वाला हो, तो बड़े महलों वाले, बड़े महलों वाले, बंगलों वाले, उसे गिरी नजर से, नीची नजर से ना देखना, क्योंकि सब अल्लाह की नजर में एक है। हुआ सम्माकुम अल मुस्लिमीन मिन क़ब्लु, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम के अंदर फरमा दिया, आज हम एक दूसरे को गाली देते हैं, बरेली लोग वहाबियों को बोलते हैं
कि वहां भी सही नहीं है, उनका अकीदा सही नहीं है, और वहां भी लोग बरेलियों को बोलते हैं कि उनका अकीदा सही नहीं है, वो सही नहीं है, और अहले हदीस लोग वहां भी और बरेलियों को बोलते हैं कि उनका अकीदा सही नहीं है, वो सही नहीं है, उनका रहन सहन सही नहीं है। तुम कौन होते हो या हम कौन होते हैं बोलने वाले? मेरे मोहतरम बुजुर्गो दोस्तों, किसका अकीदा क्या है अल्लाह बेहतर जानने वाला है। हम कौन होते हैं किसी को कुछ बोलने वाले? अल्लाह तबरक व तआला कुरान में ऐसे नहीं फरमा दिया हुआ सम्माकुमुल मुस्लिमीन मिन क़ब्लु, आपस में तुम सारे मुसलमान भाई भाई हो, किसी को बुरी नजर से ना देखो। आज हमारे मुआशरे के अंदर बहुत सा बिगाड़ चल रहे हैं मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों। आज बरेलियों को वहाबियों से नफरत है, वहाबियों को बरेलियों से नफरत है, अहले हदीसों को बरेलियों से और वहाबियों से नफरत है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, एक दूसरे से नफरत मत करो, एक दूसरे से बुग्ध हसद ना करो, एक दूसरे से किना कपट ना रखो। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला कुरान में फरमा दिया हुआ सम्माकुमुल मुस्लिमीन मिन क़ब्लु, तुम आपस में सारे मुसलमान भाई भाई हो, आपस को भाईचारा के साथ रहना है, प्यार मोहब्बत के साथ रहना है, अमन अमान के साथ रहना है, तब जाकर हमारी आखिरत कामयाब होती है। अगर हम आपस में लड़ेंगे, अगर हम आपस में लड़ेंगे, आपस में आज हम बिगाड़ पैदा करेंगे, तो मेरे मोहतरम बुजुर्गो दोस्तों, फिर याद रखो एक दिन अल्लाह के हुजूर पेश होना है, अल्लाह के सामने हाजिर होना है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हाजिर होना है। बताओ मेरे प्यारो, क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आप जवाब दोगे? क्या अल्लाह तबारक व तआला को आप जवाब दोगे? और मैं हदीस शरीफ पेश किया, वो हदीस शरीफ क्या है? अल मुस्लिम व अल मुस्लिम, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अपने प्यारी जबान से क्या फरमा रहे, अपनी प्यारी जबान से इरशाद फरमाया, अल मुस्लिम मुस्लिम, मुसलमान मुसलमान का भाई है। अल्लाह के नबी ने भी फरमा दिया मुसलमान मुसलमान का भाई है, अल्लाह तबारक व तआला कुरान के अंदर भी फरमा दिया एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है। फिर हम कौन होते हैं आपस में बिगाड़ पैदा करने वाले? हम कौन होते हैं एक दूसरे से नफरत करने वाले? हम कौन होते हैं एक दूसरे से गिला कपट करने वाले? मेरे मोहतरम बुजुर्गो दोस्तों, याद रखो एक दिन मरना आखिर मौत है, कर ले जो करना आखिर मौत है, हमें आखिरत की तैयारी करना है। मेरे मोहतरम बुजुर्गो दोस्तों, हमें मरने की तैयारी करना है, मरने के बाद सबसे पहले मेरे मोहतरम बुजुर्गो दोस्तों, अगर हम नमाज पढ़ रहे हैं, पांच वक्त की हम नमाजी है, पांच वक्त की नमाज पढ़ रहे हैं, और हमारे अखलाक सही नहीं है, लोगों से बात कैसे करी जाती है, किस तरीके से की जाती है, वो हमारे अंदर वो अखलाक अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से क्या इरशाद फरमा रहे हैं? ऐ मुआज़, सुन लो मेरे मोहतरम बुजुर्गो दोस्तों, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हजरत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह अन्हु, हजरत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से क्या फरमा रहे हैं? वो मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो कयामत के दिन रोज़े महशर के दिन सारे आलिमों के सरदार होंगे, उलमा के सरदार, हजरत मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से अल्लाह के नबी क्या फरमा रहे? देखो मेरे मोहतरम बुजुर्गो दोस्तों, ऐ मुआज़ बिन जबल, एक चीज कर लेना, एक चीज पर काबू पा लेना, मुंह खोले जबान निकाल कर बोले, इस पर जबान पर अपनी जबान पर काबू पा लेना। मेरे मोहतरम बुजुर्गो दोस्तों, किसी की दिलाजारी का बात कर देते हैं हम, किसी की चुगली कर देते हैं हम, किसी की गीबत कर देते हैं हम, मेरे मोहतरम बुजुर्गो दोस्तों, तो इससे हमारी आखिरत तबाह हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी, हमको अल्लाह तबारक व तआला सीधा जहन्नम में डाल देंगे गीबत करने से, चुगली करने से। सबसे पहले हमारे अखलाक सही होना है मेरे मोहतरम बुजुर्गो दोस्तों, हमें अपने अखलाक को बनाना है। अगर कोई आदमी अपने अखलाक को, अपने किरदार को बना लिया, तो मेरे मोहतरम बुजुर्गो दोस्तों, वो आदमी कामयाब है। अल्लाह के नबी ने फरमाया,
अपनी जबान पर काबू पालो, ए माज बिन जबल अपने जबान पर काबू पालो, क्योंकि ये जबान लोगों को ज्यादातर जहन्नम में ले जाएगी। जबान जो है, ये जबान से हम किसी के दिलेजारी का बात कर देते हैं, किसी को दिल दुखाने वाली बात कर देते हैं। मेरे मोहतरम बुजुर्गो दोस्तों, इस जबान से हम किसी को गाली दे देते हैं, इस जबान से हम गंदा वर्ड इस्तेमाल करते हैं। मेरे मोहतरम बुजुर्गो दोस्तों, याद रखो जबान से जो दिलाजारी का बात करते हैं, अपने जबान से लोगों के दिलों को दुखाते हैं, तो याद रखो अल्लाह तबारक व तआला उससे नाराज हो जाते हैं, और मरने के बाद अल्लाह तबारक व तआला उसे सीधा जहन्नम में डाल देंगे, क्योंकि ये हुकूकुल इबाद में से है, और हुकूकुल इबाद अल्लाह तबारक व तआला माफ नहीं करेंगे, बल्कि हुकूकुल इबाद उस बंदे से जाकर तुम्हें माफी मांगना होगा जिस बंदे की तुम्हें दिल दुखाई, जिस बंदे की तुम्हें दिल दुखाने वाली बात की, जिस बंदे की तुमने गइबत की, जिस बंदे की तुम्हें चुगली की, उस बंदे से जाकर जब तक आप माफी नहीं मांगोगे, अल्लाह तबारक व तआला भी माफ नहीं करेगा। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, हमें क्या करना है? आपस में प्यार मोहब्बत के साथ रहना है, एक दूसरे को, सारे मुसलमान, पूरी दुनिया से मुसलमान, चाहे वो अरब का रहने वाला हो, चाहे वो आजम का रहने वाला हो, चाहे वो हिंदुस्तान का रहने वाला हो, चाहे वो पाकिस्तान का रहने वाला हो, मैं सारे मुसलमान को कहता हूँ, अल मुस्लिम व अखुल मुस्लिम, अल्लाह के नबी फरमाया, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है, आपस में प्यार मोहब्बत के साथ रहने वाला रहना है। मेरे मोहतरम बुजुर्गो दोस्तों, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपने ज़बान मुबारक से और एक हदीस का इरशाद फरमाया। मेरे मोहतरम बुजुर्गो दोस्तों, मैं हदीस सुनाता हूँ, मेरी बात पर गौर करना, हदीस पर गौर करना, उसके तर्जमा पर गौर करना, क्या फरमाया, अल मुस्लिमु मा सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही, सच्चा पक्का मुसलमान वह है जिसके जबान व हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज रहे। अल्लाहु अकबर। मेरे मोहतरम बुजुर्गो दोस्तों, सच्चा पक्का मुसलमान वह है जिसकी जबान व हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज रहे। आज हमारे अंदर देखो मेरे मोहतरम बुजुर्गो दोस्तों, आज हमें हाथ से तकलीफ, देखो मेरे मोहतरम बुजुर्गो दोस्तों, अगर हम किसी को हाथ से तकलीफ देते हैं तो क्या है, सच्चा पक्का मुसलमान हम नहीं हो सकते। किसी को जबान से तकलीफ देते हैं, हम सच्चा पक्का मुसलमान नहीं हो सकते। किसी को पैरों से तकलीफ देते हैं, हम सच्चा पक्का मुसलमान नहीं हो सकते, क्योंकि अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपने ज़बान मुबारक से इरशाद फरमा दिया, सच्चा पक्का मोमिन, सच्चा पक्का मुसलमान वह है जिसके जबान व हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज हो। आज हमारे बच्चों के अंदर, आज हमारे बूढ़ों के अंदर, आज हमारी माँ बहनों के अंदर किस तरीके से लोगों से बात करना, बड़ों की इज्जत करना कैसे करना, बड़ों से किस तरीके से बात करना, ये हमें मालूम नहीं। अरे ये कब मालूम होती मेरे मोहतरम बुजुर्गो दोस्तों, ये मालूम होती इल्म के जरिए मालूम होती, लोगों से कैसे पेश आना, लोगों से किस तरीके से पेश आना, इल्म के जरिए से मालूम होती। आज हमारे घरों के अंदर, आज हमारे बच्चों के अंदर, आज हमारे बच्चियों के अंदर, आज हमारे माँ बहनों के अंदर, आज हमारे बूढ़ों के अंदर, आज हमारे पूरे जितने भी बेइल्म लोग हैं, जितने भी मुसलमान जो इल्म नहीं हासिल किया, उनके अंदर आप ये सब चीजें देखोगे तो आपको नहीं देखने को मिलेगा। इसलिए मेरे मोहतरम बुजुर्गो दोस्तों, हमारे उलमा, हमारे अकाबिर मदारिसों में मेहनत करते हैं, मदारिसों में बच्चों को पढ़ाते हैं, बच्चियों को पढ़ाते हैं, दीनी इल्म का दर्स देते हैं। मेरे मोहतरम बुजुर्गो दोस्तों, किस लिए देते हैं? ताकि ये बच्चा ये बच्ची पढ़े, पढ़ लेने के बाद मालूम हो कि इसे दीन के किस तरीके पर चलना है, दीन के रास्ते पर चलना है, लोगों से कैसे बात करना है, लोगों से कैसे पेश आना है, माँ बाप के साथ क्या सलूक करना है, भाई के साथ क्या सलूक करना है, शौहर के साथ क्या सलूक करना है, अपने
अपने बच्चों के साथ क्या सलूक करना है, अपने दादा दादी के साथ क्या सलूक करना है, बूढ़ा बूढ़ी के साथ कैसा सलूक करना है, ये कहीं भी नहीं सिखाई जाती। बल्कि मदारिस दीनिया के अंदर, मदारिस के अंदर ये सब चीजें हमारी माँ बहनों को, हमारे बच्चों को सिखाई जाती है। इसलिए मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, अपने बच्चों को इल्म दीन सिखाओ। दीन का हासिल करना, इल्म दीन का हासिल करना हर मुसलमान मर्द औरत पर फर्ज है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, मैं बारहा ये हदीस पढ़ता हूँ, तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिमिन व मुस्लिमा। इल्म दीन हासिल करना हर मुसलमान, चाहे वो मर्द हो या औरत हो, चाहे वो बच्चा हो या बच्ची हो, चाहे बूढ़ा हो या बूढ़ी हो, चाहे वो नौजवान हो या हट्टा कट्टा मुस्टंडा हो, मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, सब पर इल्म दीन हासिल करना फर्ज है। और कितना हासिल करना फर्ज है, कितना हासिल करना फर्ज है मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, इतना इल्म दीन हर एक मुसलमान को, हर एक घर में, हमारे मुसलमानों के घर में इतना इल्म दीन होना, इतना इल्म होना कि उससे नमाज सही हो सके, रोजा सही हो सके, जकात सही हो सके, सदका खैरात सही हो सके, हज सही हो सके। हमें इस दुनिया के अंदर कैसी जिंदगी गुजारनी है वो सही हो सके, इतना इल्म दीन हासिल करना मेरे मुसलमानों हर मुसलमान के ऊपर, चाहे वो महलों का रखने वाला हो, चाहे वो बादशाह हो, चाहे वो फकीर हो, चाहे वो गनी हो, मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, चाहे वो झोपड़ियों का रहने वाला हो, चाहे वो दरख्त के नीचे रहने वाला हो, चाहे वो आसमानों के ऊपर रहने वाला हो, चाहे वो जमीन पर रहने वाला हो, सारे मुसलमानों पर इतना इल्म दीन हासिल करना फर्ज है, जिससे उसके रोजा नमाज सही हो सके। इसलिए हमारे मदारिस दुनिया के अंदर ये मेहनत कराई जाती है। मैं भी एक मदारिस से पढ़ा हूं मेरे मोहतरम बुजुर्गो दोस्तों, मुझे भी किसी असातिजा ने पढ़ाया है। मेरी हाफिजा, मैं हाफिज बना हूं मदरसा दारुल उलूम रशीदिया आंध्र प्रदेश इरकुपालम सतनापल्ली के मदरसे में मैं हाफिज बना हूं। और हाफिज बनने के बाद मेरी पढ़ाई लखनऊ में हुई। लखनऊ में मैं 6 महीना मदरसा दारुल उलूम इस्लाम नगर बनापीढ़ी के एक मदरसा है उसमें मैं 6 महीना पढ़ा। 6 महीना पढ़ने के बाद उसमें दिल नहीं लगा, फिर उसके बाद मैं लखनऊ चल गया। लखनऊ में 2 साल पढ़ा, 2 साल के बाद मैं फिर आगे पढ़ाई छोड़ दी मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों। मतलब 3 साल का आलिम कोर्स में किया, 3 साल का आलिमियत में किया मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों। इतना इल्म दीन हासिल कराओ अपने बच्चों को, जिससे वो इतना तो सीख सके कि माँ बाप के साथ कैसा सलूक करना है। आज हमारे घरों के अंदर आज हमारे नौजवान बच्चे जब शादी कर लेते हैं, शादी कर लेने के बाद बाप का नाफरमान बन जाते हैं, माँ का नाफरमान बन जाते हैं, बाप के साथ बदसुलूकी करते हैं, हुस्न सुलूक को भूल जाते हैं। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, حضرت ابو هريره رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں، جو اپنے باپ کے ساتھ، جو اپنے ماں کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے جنت کا دروازہ کھول دیتے ہیں، اور جو اپنے ماں باپ کے ساتھ بد سلوکی کرتا ہے اس کے لیے کیا ہے میرے محترم بزرگو دوستو، اسے کیا کیا جائے گا बिना हिसाब किताब के क्या भी पूछा नहीं जाता, सिर्फ उसे डायरेक्ट टू जहन्नम में डाल दिया जाता। माँ बाप से बदसुलूकी करने वालों का जन्नत में नहीं जाना वाजिब हो चुका है। आज हमारे घरों के अंदर दीन उठता जा रहा है। माँ के साथ कैसा सलूक करना, बाप के साथ कैसा सलूक करना, दादा दादी के साथ कैसे सलूक करना, बहनों के साथ कैसा सलूक करना, बड़े अब्बा के साथ, बड़ी अम्मी के साथ कैसा सलूक करना, फुफा के साथ, फुफी के साथ कैसा सलूक करना, ये सब आपको मदारिस दीनिया में सिखाई जाएगी। अगर आप अपने बच्चों को मदारिस से दूर रखोगे, तो याद रखो मेरे मुसलमानों, याद रखो मेरी माओ और मेरी बहनों और मेरे दोस्तों, आप अपने बच्चों से
अच्छे काम का जर्रा बराबर भी भरोसा ना रखना। यही तो आता है शादी होने के बाद, बच्चे अपने माँ बाप के नाफरमान बन जाते हैं। माँ की बात बच्चा सुनता नहीं, बाप की बात बच्चा सुनता नहीं। कैसे सुनता, उसे मालूम नहीं कि बाप के साथ उसने सुलूक का क्या मामला होगा, करने से क्या मामला होगा, और माँ बाप को सताने से हमारे साथ क्या मामला होगा। ये बच्चा को मालूम नहीं क्योंकि उसके अंदर दीन नहीं है। इसके वजह से बच्चे माँ बाप को सताते हैं। आज हमारा हाल सबसे बदतरीन इसलिए है कि हम दीन से दूर हैं, बच्चों को मदारिस से दूर रखे हैं। आज हम अपने बच्चों को बड़े बड़े यूनिवर्सिटिया में पढ़ाते हैं, कॉलेज में पढ़ाते हैं, स्कूलों में पढ़ाते हैं। मेरे दोस्तों हम अपने बच्चों को पायलट बनाते हैं, हम अपने बच्चों को ग्रेजुएट कराते हैं, हम अपने बच्चों को MBBS कराते हैं, हम अपने बच्चों को डॉक्टर बनाते हैं। मेरे मोहतरम बुजुर्गो दोस्तों, हम अपने बच्चों को टेलीफोन ऑपरेटर बनाते हैं। लेकिन याद रखो मेरे मुसलमानों, ये सिर्फ दुनिया का इलम है। दुनिया में जब तक रहेंगे तब तक काम आएगा, उसके बाद 50 पैसे के बराबर भी ये इलम की कदर नहीं है। बनाओ अपने बच्चों को आलिमे दीन, बनाओ अपने बच्चों को हुफ्फाज़े किराम, बनाओ अपने बच्चे को मुफ्तियाने किराम, बनाओ अपने बच्चों को मेरे मोहतरम बुजुर्गो दोस्तों उलेमा, बनाओ अपने बच्चे को कुर्रा, बनाओ अपने बच्चे को उलेमा, बनाओ अपने बच्चे को तलबा। मेरे मोहतरम बुजुर्गो दोस्तों, अपने बच्चों को आप आज अगर इल्मे दीन हासिल नहीं करोगे तो याद रख लो, मेरी बात कान खोल कर सुन लो, तुम्हारा बच्चा कल रोजे महशर अल्लाह तबारक व तआला के सामने खड़ा होगा, और खड़ा होकर अल्लाह तबारक व तआला से क्या बोलेगा, ए मेरे अल्लाह, मेरे माँ बाप ने मुझे मदारिस दीनिया से दूर रखा, मेरे माँ बाप ने मुझे सिर्फ दुनिया के माने के वास्ते इल्म दीन हासिल कराई, आखिरत के वास्ते क्या भी इल्म दीन हासिल नहीं कराया, ये मेरे माँ बाप इसके जिम्मेदार है, मैं इसके जिम्मेदार नहीं हूं। कल आप अल्लाह तबारक व तआला को क्या जवाब दोगे। मेरे मोहतरम बुजुर्गो दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला को राजी कर लो, अपने बच्चों को दीन का इलम सिखा लो, अपने बच्चे को जन्नत में जाने वाला बना दो, अपने बच्चे को जहन्नम से डरने वाला बना दो। मेरे मोहतरम बुजुर्गो दोस्तों, आज हमारे बच्चे लोगों को गालियां देते फिरते हैं। बहुत ऐसे बच्चे जिसकी जबान गंदी हो चुकी है, बहुत ऐसे बच्चे मैं देखा, थोड़ी सी बात पर गालियां निकाल देते हैं, थोड़ी सी बात पर दिलाजारी वाली बात कर देते हैं, छोटी छोटी सी बात पर। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, ये सब मालूम होगा मदारिस दीनिया के अंदर। अपने बच्चों को ग्रेजुएट MBBS कराना, ये मना नहीं कर रहा हूं, कराना, लेकिन कब, अपने बच्चों को दीन का इलम सिखा लो, उसके बाद तुम MBBS कराना। जरूरी नहीं अपने बच्चे को उलमा बनाओ, जरूरी नहीं अपने बच्चे को मुफ्तियाने किराम बनाओ, जरूरी नहीं अपने बच्चे को हुफ्फाज़े किराम बनाओ, लेकिन इतना इल्म दीन तो हासिल करा लो जिससे उसे दुनिया में रहने का सलीका, आखिरत का डर, जन्नत में जाने का फिक्र और जहन्नम का डर उसके दिल के अंदर पैदा हो जाए। इतना इल्म तो सिखाओ। अगर हम इतना भी कर नहीं सकते तो याद रखो, हम सीधा जहन्नम में जाने वाले। मेरे मोहतरम बुजुर्गो दोस्तों, याद रखो, प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपने ज़बान मुबारक से क्या इरशाद फरमाया, इल्म दीन हासिल करने वाला सबसे बड़ा सखी है, सबसे बड़ा आदमी है। मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, मैं एक वाकया बताता हूँ, एक वाकया सुन लो मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, मेरी बात पर गौर करना और मेरी बात को याद रखना। क्या एक बुजुर्ग साहब ने, एक बादशाह के जमाने में बादशाह की एक बेटी थी, एक बेटी, वो उसकी बेटी क्या किया करती थी, उसकी बेटी हर एक का मजाक उड़ाती थी, हर एक का मजाक उड़ाकर उस पर हंसा करती थी और अपने नौकरों को हंसाया करती थी। तो एक दिन एक अल्लाह वाले एक बुजुर्ग उनके सामने एक उनके सामने तशरीफ लाने के बाद और उनके पास उस बादशाह की बेटी के पास एक कुत्ता था, तो बुजुर्ग को बोले, ए शख्स बता,
मेरा कुत्ता सही है या तुम सही हो? मेरे कुत्ता सही है या तुम सही हो? बुजुर्गों से वो लड़की बोली, वो बादशाह की बेटी बोली, तो कितना प्यारा अल्फाज से वो बुजुर्गों जवाब दिए। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, मेरे बात पर गौर करना, वो बुजुर्ग क्या बोले? वो बुजुर्ग बादशाह की बेटी को जवाब दिए। वो बुजुर्ग बादशाह की बेटी को क्या जवाब देते है, कितना प्यारा जवाब देते है। अगर मरने के वक्त हमारी मौत ईमान की हालत में ना हो तो मैं कुत्ते की तरह हूँ, तुम्हारे कुत्ता जैसा वैसा मैं हूँ, और अगर मरने के वक्त हमारी जबान से कलिमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह जबान से जारी हो सारी हो गया, तो समझ जाओ को मैं बेहतर हूं। इतना प्यारा जवाब दिया मेरे मोहतरम बुजुर्गो दोस्तों। और बहुत से वाकयात है, बहुत से किस्से है हमारे जहन में, बहुत से वाकयात आ रहे हैं, बहुत से किस्से आ रहे हैं, लेकिन वक्त नहीं है, टाइम नहीं है, इसकी वजह से मैं नहीं बोल रहा हूँ। मेरे मोहतरम बुजुर्गो दोस्तों, मेरी बात पर गौर करना, लोगों के सामने क्या करो, लोगों की इज्जत करना सीखो, लोगों से प्यार मोहब्बत से रहना सीखो। याद रखो, अगर आपके वालिद मोहतरम, आपके वालिदा मोहतरमा दुनिया से गुजर जाती है, दुनिया से गुजर जाने के बाद उनके साथ उसने सुलूक का मामला कैसे करना, ये भी है हदीस में। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद क्या नकल फरमाते हैं कि आपके वालिदा मुहतरमा, वालिदा मुहतरमा, आपके वालिद मुहतरम, आपके वालिद मुहतरम दुनिया से गुजर गए, उसके साथ भी आप उसने सुलूक, उसके बाद भी आप उसने सुलूक का कैसे मामला कर सकते हो, कैसे? आपके वालिदा मोहतरमा, आपके वालिदे मोहतरम के जो बड़े भाई हैं, बड़ी बहन हैं, उनके साथ हुस्न सुलूक का मामला करो, तो आप अपने वालिदा मोहतरमा और अपने वालिदे मोहतरम के साथ भी हुस्न सुलूक का मामला कर सकते हो मरने के बाद भी। अगर हमारे वालिदे मोहतरम, हमारे वाले, हमारी वालिदा मोहतरमा यानी हमारी अम्मी और हमारे अब्बू दुनिया से गुजर जाएंगे और उसके बाद हम उनके बड़े भाई से, उनके छोटे भाई से बदसुलूकी से पेश आएंगे, उसकी कदर नहीं करेंगे, उसकी इज्जत नहीं करेंगे, और अपने माँ के बड़ी बहन से हम इज्जत से बात नहीं करेंगे, उनके साथ बदसुलूकी करेंगे, तो याद रखो समझो कि हम अपने माँ बाप की बदसुलूकी नाकदरी कर रहे हैं, इज्जत में अपने माँ बाप की नहीं कर रहे हैं। ये सब कैसे मालूम होता? ये सब इल्म दीन से मालूम होता। ये सब कहां बताई जाती? ये सब जाकर आप लोगों को मदारिस दीनिया में बताई जाती। अब आज भी देखो हमारे गांव मेहमानों के अंदर हमारे वालिदे मुहतरम हजरत मौलाना सुल्तान अहमद साहब नुमानी दामत बरकातहुमुल आलिया एक मदारिस कायम करके हैं, लेकिन अफसोस हमारे गांव वालों से, अफसोस होता है हमारे गांव वालों से कि घर से हर एक मुसलमान को, अपने घर से हर एक बच्ची को इल्म दीन हासिल करने के लिए भेजना चाहिए, लेकिन अफसोस होता है आज अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ा देते हैं, आज अपने बच्चे को कॉलेज में पढ़ा रहे हैं, आज अपने बच्चे को यूनिवर्सिटिया में पढ़ा रहे हैं, लेकिन तौफीक नहीं हो रही कि हमारे गाँव मेहमानों के मदरसे पर एक बच्ची को तो कम से कम इल्म दीन सिखाए, जिससे हमारे घर में सबको रहन सहन का तरीका, दीन का तरीका मालूम हो जाए। नहीं, किसी को फिक्र नहीं है। हमारे वालिदे मोहतरम बहुत मेहनत के साथ, मेरे मोहतरम बुजुर्गो दोस्तों, हमारे वालिदे मोहतरम बहुत मेहनत के बाद ये मदरसा, एक मदरसा कायम किया, मदरसा जामिया निजामिया बाबुल उलूम लिल मनात मिस्मानो थाना मांडर जिला रांची पोस्ट मुंडमा। मेरे मोहतरम बुजुर्गो दोस्तों, अल्लाह तबारक व ताला उनको जजाए खैर दे, अल्लाह ताला हमारे वालिदे मोहतरम को उम्र में खैर बरकत अता फरमाए, अल्लाह ताला उनके मेहनतों को, काविशों को कबूल फरमाए। वो एक मदरसा चला रहे हैं जिसका नाम है जामिया निदामिया बाबुल उलूम लिल बनात। उस मदरसे में बच्चों को दीन का इलम सिखाया जाता है, बच्चों को कुरान व हदीस की तालीम दी जाती है। मेरे मोहतरम बुजुर्गो दोस्तों और मेरे गाँव वालों, मेरे बात सुन लो, अपने बच्चों को दीन का इल्म सिखा लो। अगर आखिरत का डर है, जहन्नम का डर है, जन्नत में जाने का शौक है, तो अपने बच्चों को इल्म दीन सिखा लो। इल्म दीन आज अगर आप अपने बच्ची को सिखाओगे तो याद रखो आपकी बच्ची आपके घर को जन्नत बना देगी।
नस्ल हमारी, अगर अपने नस्ल को मुर्तद होने से बचाना है, अपने नस्ल को कल आने वाले दिन में मुर्तद होने से बचाना है, अपने बच्चे को मुर्तद होने से बचाना है, तो क्या करो, हमारी छोटी छोटी नन्नी नन्नी मासूम सी बच्चियों को जामिया ने दामिया बाबर उलूम नील बनात में मानो, या दुनिया का कोई सभी मदरसा में पढ़ाओ, उससे बहस नहीं है, लेकिन मदारिसे दुनिया में पढ़ाओ अपने बच्चियों को, अगर मुर्तद होने से तुम्हें अपने पूरे घर को बचाना है। हमारे दिन हमारे हाथ से इतना निकल गया है कि आज मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों अफसोस होता है इस बात पर कहने पर, मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों बहुत से ऐसी बच्चिया को मैं देखता हूँ, कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाली बच्चिया, कॉलेज में पढ़ने वाली बच्चिया, स्कूलों में पढ़ने वाली बच्चिया आज गैर मुसलमान से शादी कर रही है, हिंदुओं से शादी कर रहे हैं। बहुत से ऐसे स्कूलों कॉलेज में क्यों शादी कर रहे हैं हिंदुओं से? दीन नहीं है तब ना, घरों के अंदर दीन नहीं है तब ना, माँ बाप के अंदर दीन नहीं है तब ना, भाई बहनों के अंदर दीन नहीं है तब ना जाकर वो गैर महरम गैर गैर मुसलमान से शादी कर रही। अफसोस होता है मेरे मुसलमानों, खुसूसन मेरे गांव वालों, अपने बच्चों को दीन का इलम सिखाओ, तुम दुनिया का किसी कोने पर भी सिखाओ, इससे बहस नहीं है, या तो अपने गांव के करीब में एक मदरसा है उसमें सिखाओ, तो ये भी अल्लाह का बहुत बड़ा करम है, इसमें सिखाओगे तो इसमें हमें खुशी होगी, हमारे वालिदे मोहतरम हजरत मौलाना सुल्तान अहमद दुमानी दामत बरकातुहुल आलिया को भी खुशी होगी, और गांव वालों गांव में मदरसा है उस गांव में अपने बच्ची को इल्म दीन अगर हासिल नहीं कराओगे तो याद रखो कल ये मदारिस से दीनिया अल्लाह तबारक व तआला के सामने क्या फरमाएगी के मैं उनके गांव में बनाया गया था, मुझे इनके गांव में बनाया गया था, किस लिए? बच्चों को इल्म दीन सिखलाने के वास्ते मुझे कायम किया गया था, लेकिन गांव वालों ने अपने बच्चों को और बच्चियों को मेरे घर में मेरे पास इल्म दीन हासिल करने नहीं भेजा, ये मदारिस दीनिया भी कल अल्लाह से बात करेंगी। मेरे मोहतरम बुजुर्गो दोस्तों अपने बच्चों को बचा लो, ये जमाना बहुत खराब जमाना चल रहा है। ये बात कहते हुए बहुत अफसोस होता है मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, आज हमारे माँ बाप, आज हमारे बहने जो स्कूल में पढ़ती है, जो कॉलेज में पढ़ती है, आज हमारे बहुत ऐसे बहने हैं जो हजारों के तादाद में गैर मुसलमान से शादी कर ले रही, इसलिए ये हो रहा, दीन नहीं है हमारे घर में इसलिए ना। अपने बच्चों को मदारिस दीनिया में पढ़ाएंगे तो आपके बच्चे ये जान पाएंगे कि हुकूकुल्लाह क्या है, हुकूकुल इबाद क्या है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों आपको बताता चलूं कि हुकूकुल्लाह क्या है, हुकूकुल इबाद क्या है, हुकूकुल्लाह का मतलब क्या है, हुकूकुल इबाद का मतलब क्या है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों मैं मुताला किया, मुताला के अंदर मुझे ये मिला मैं किसके किताब मुताला करता हूँ, हजरत मौलाना और मुफ्ती तकी उस्मानी साहब दामत बरकातुहुल आलिया की एक किताब है मेरे पास, वो किताब का मैं मुताला कर रहा था, वो मुताला में मुझे ये बात मिली कि हुकूकुल्लाह की और हुकूकुल इबाद की एक बात मुझे मिली, वो मुताला किया, मैं आपको बताता चलूं कि हुकूकुल्लाह क्या है, हुकूकुल इबाद क्या है। हुकूकुल्लाह वो है, वो अल्लाह का हुकूक है, जैसे नमाज हो गया, रोजा हो गया, जकात हो गया, हज हो गया, कलीमा हो गया, ये हुकूकुल्लाह है। अगर हम नमाज नहीं पढ़ेंगे, हम हज नहीं करेंगे, हम जकात नहीं देंगे, मेरे मोहतरम बुजुर्गो दोस्तों वो अल्लाह के ऊपर डिपेंड करता है, अल्लाह के ऊपर, वो अल्लाह चाहे तो माफ करेंगे, नहीं तो अल्लाह ताला उसे सजा देंगे। लेकिन हुकूकुल इबाद में बताता हूँ मेरे मोहतरम बुजुर्गो दोस्तों, हुकूकुल इबाद वह है, जैसे हुकूकुल इबाद, जैसे मेरे मुसलमान भाई है, मैं मिसाली तौर पर बताता हूँ, मैं हूँ और मेरे फुफ्फा है, और मेरे फुफ्फा कौन है, मैं सलमान हूँ, मेरे
मेरे फूफा गुलजार है और मैं उनसे क्या करता हो, उनसे बदसुलूकी करता हो, उससे बदसबानी उनसे करता हो, उनसे बदसबानी करता हूँ, उनके ना उन, उनको उनके बरा उनके बारे में बुरा भला दूसरे को बोलता हो, उनके बारे में गिबत करता हो, उनके बारे में चुगली करता हो। तो मेरे मोहतरम बुजुर्गो दोस्त याद रखो, अल्लाह तबारक व तआला की इसकी कोई माफी नहीं है, बल्कि मुझे यानी मुझे जाकर मेरे फूफा गुलजार से माफी मांग लेना पड़ेगा, फिर उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला माफ करेंगे। समझ में आ गया होगा आप लोगों को हुकूकुल्लाह क्या, हुकूकुल इबाद क्या है। मेरे मोहतरम बुजुर्गो दोस्तों, बहुत ही आसान तरीका से मैं समझा रहा हूँ हुकूकुल्लाह हुकूकुल इबाद। मेरे मोहतरम बुजुर्गो दोस्तों, आज हमारे हुकूकुल इबाद सही नहीं है, इसलिए हम परेशान हाल रहते हैं दुनिया के अंदर। फूफा फूफी जो होते हैं और हमारे जितने भी मुसलमान भाई है दुनिया के, उन सबके साथ हमारा हुकूकुल इबाद जुड़ा हुआ है। अगर हम किसी एक की भी चुगली गिबत करते हैं तो उससे माफी मांगनी पड़ेगी, अल्लाह माफ नहीं करेंगे। यह हुकूकुल इबाद है। इसीलिए मेरे मोहतरम बुजुर्गो दोस्तों, मेरे गांव वालों, मेहमानों वालों, वो मेरे प्यारे दोस्तों, प्यारे माओ और बहनों, अपने बच्चों को आने वाले दिन में उलमा बनाओ, आलिमा बनाओ, ताकि वो अपने घर को जन्नत बना दे। जिस घर में वो आपकी बेटी जिस घर में शादी होकर जाए, उसका निकाह हो जाए और शादी होकर जाए, तो वो उस घर को जन्नत बना दे। इसलिए अपने बच्चों को दीन का इल्म सिखाओ। मेरे मोहतरम बुजुर्गो दोस्तों, और इंसानों की तरह मैं भी इंसान हूं, बयानात में बात करने में अगर कुछ गलत हो जाए तो उस गलती से मैं माजरत चाहता हूं। लेकिन मेरे मोहतरम बुजुर्गो दोस्तों, जो हक बात है, जो सच बात है, इसे हमारे उलमा हमारे अकाबिर बोलने की इजाजत दी है। जो हक बात है वो सच बात है, उसे हमारे नबी ने बोलने की इजाजत दी है। तो मेरे मोहतरम बुजुर्गो दोस्तों, मैं सिर्फ आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आप अपने बच्चों को दीन का इलम सिखाओ, अपने बच्चों को मदारिस दीनिया में पढ़ाओ। और ये भी नहीं हो सकता है सुबह से शाम तक अपने बच्चों को स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटिया में पढ़ा रहे हो, तो फिर रात में 8 बजे, रात में 6 बजे के बाद, 6:30 बजे के बाद जो मस्जिद में इमाम साहब बैठकर दीन का दर्स देते रहते हैं बच्चों को, मखतब पढ़ाते रहते हैं बच्चों को, कम से कम मखतब में तो भेजो। लेकिन याद रखो मुसलमानों, मदारिस दीनिया में जिस तरीके से इल्म दीन सिखाई जाती है, मखतब में नहीं सिखाई जाएगी। 24 घंटे उस्ताद की निगरानी में मदारिस में रहते हैं। हमारे मदरसा मेहमानों में मदरसा जामिया निदामिया बाबुल उलूम लिल बनात मेहमानों, जो मेहमानों में मदरसा है उसमें कितने पढ़ाने वाले स्टाफ है, मेरी बात पर गौर करना, पढ़ाने वाले स्टाफ। जिसमें अरबिक पढ़ाने वाले उसमें हमारी एक अम्मी जान भी है और दो और स्टाफ है जो बच्चियों को पढ़ाती हैं, 3 स्टाफ है, और अंग्रेजी के लिए, उर्दू के लिए, अंग्रेजी के लिए, मैथ के लिए, मैट्रिक की तैयारी के लिए, 10th का एग्जाम, 9th का एग्जाम देने के लिए। हमारे मदरसे में एक और भी हमारे गांव ही की पढ़ाने आती है, यानी पूरे 4 बच्चियों को पढ़ाने वाली जो हमारे मदारिस में है वो है 4 है, पूरे पढ़ाने वाले स्टाफ 4 है, सिर्फ बच्चियों का बात कर रहा हूं। हमारी अम्मी और बाकी बात हमारी बहनें हैं, 3 बहनें और हमारी अम्मी, 1-4 पढ़ाती हैं। और उलमा, हमारे उलमा किराम जो आलिम है, आलिम दीन है, उसमें से एक हमारे वालिद मोहतरम हजरत मौलाना सुल्तान अहमद साहब नुमानी दामत बरकातहुल आलिया, और हजरत मौलाना अबुल हसन नदवी साहब दामत बरकातहुल आलिया, और
और मौलाना शैफुल्ला साहब नदवी दामत बरकातुहुमुल आलिया, मौलाना शफीउल्ला साहब, वो भी पढ़ाते हैं। और हमारे चचा हाफिज मोहम्मद तस्लीम साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया, ये भी हमारे मदारिस में पढ़ाते हैं। तो बताओ मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, बताओ मेरे गांव वालों, अगर आप अपने बच्चे को उस मदारिस में अगर भेजोगे तो बताओ मदारिस में सही इल्म दीन सिखा सकते हो या मकतब में मसाजिद में सही इल्म दीन हासिल करा सकते हो? कमेंट में जवाब देना इस बात का। मेरे मोहतरम बुजुर्गो दोस्तों, इल्म दीन हासिल कराने से आप अपने बच्चों को क्या करोगे, कल आपके बच्चे आपको जन्नत ले जाने वाले होंगे। अल्लाह तबारक व तआला ने क्या फरमाया, قولوا لا اله الا الله تفلحون। ऐ लोगो, कलमे तैयबा ला इला इल्लल्लाह को पढ़ लो, कामयाब हो जाओगे। आज बहुत से ऐसे हमारे मुसलमान हैं, बहुत से ऐसे हमारे नौजवान हैं, बहुत से ऐसी हमारी बच्चियां हैं, बहुत से ऐसे हमारी औरतें हैं जिसका कलीमे तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, ये कलीमे तैयबा सही नहीं है। कैसे पढ़ते हैं आज कलीमा, कैसे पढ़ते हैं? मैं बताता हूं, आज हमारे जो इल्म दीन नहीं सीखे हुए वो कलीमा कैसे पढ़ता हूं, मैं बताता हूं आपको। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदर रसूलुल्लाह, ऐसे कलीमा नहीं है, आप गलत पढ़ रहे हो। कितने अच्छे अंदाज में कलीमा है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, ये कलीमा है। ऐसा कलीमा पढ़ना चाहिए। ऐसा कब पढ़ सकते, जब आप इल्म दीन हासिल करेंगे तो इस तरीके से पढ़ सकते हैं, नहीं तो आपका कुछ ना कुछ गलती तो जाएगा ही। आज छोटे छोटे बच्चियों से तालिबे इल्म से जाकर जामिया में जाकर मेरे गांव वालों, मेरे गांव के जिम्मेदार हो, और जितने भी गांव के हमारे बड़े लोग हैं, मेरे गांव के जितने भी बड़े लोग हैं, आप लोगों से मैं दरखास्त करता हूँ, जामिया निदामिया बाबुल उलूम लिल बनात में आसमानों में जाकर आप एक एक छोटी बच्ची से कलीमा पूछ कर देख लो, अगर कलीमा बच्चियों का सही नहीं रहा तो याद रखो मैं जाकर आपकी गुलामी करूंगा। छोटी छोटी बच्चियां को कलिमा सिखाया जाता है, छोटी छोटी बच्चियां को कुरान शरीफ पढ़ना सिखाया जाता है, छोटी छोटी बच्चियों को हदीस सिखाई जाती है, छोटी छोटी बच्चियों को दुआ सिखाई जाती है, छोटी छोटी बच्चियों को कैसे रहना है, रहने का तरीका सिखाई जाती है, दुनिया के अंदर कैसे काम करना है, ये सब छोटी छोटी बच्चियों को मदरसा जामिया निदामिया बाबुल उलूम लिल बनात मिसमानो और दुनिया में तमाम जहां कहीं भी दुनिया में 3 लाख मदारिस चल रहे हैं, पूरे दुनिया में 50 लाख उलमा किराम हैं और पूरी दुनिया में 3 लाख मदरसे हैं। मेरे मोहतरम बुजुर्गो दोस्तों, 3 लाख मदरसे में यही इल्म दीन सिखाया जा रहा है, जो जामिया निदामिया बाबुल उलूम लिल बनात मेहमानों में सिखाया जा रहा है। अपने बच्चों को दीन का इल्म सिखाओ मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों। मेरी बात पर नाराज ना होना मेरी माओ बहनों, मेरी बात पर नाराज ना होना मेरे गांव वालों, मैं ये बात जो बोल रहा हूँ ये आपके और हमारे भलाई के लिए बोल रहा हूँ, ये हमारे गांव के भलाई के लिए बोल रहा हूँ। हमारे गांव में आलिम उलमा मुफ्तियान किराम आलिमा पैदा होगी, याद रखो गाँव चमक जाएगा। और एक बात बताता हूँ मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, आज हमारे घरों के अंदर, आज हमारे घरों के अंदर से रिश्तेदारों से अंदर से दोस्तों के अंदर से अगर कोई गुजर जाता है तो उनकी जनाजे की नमाज पढ़ाने के लिए आलिमों को, हाफिजों को, इमाम साहब को बुलाया जाता है।
कैसे नहीं बुलाया जाएगा जब इल्म मालूम ही इल्म दीन ही नहीं है लोगों के अंदर, घरों के अंदर, लोग कैसे पढ़ाएंगे जनाजे की नमाज। इसीलिए मेरे मोहतरम बुजुर्गो दोस्तों, हर एक अपने एक, हर एक घर से अपने एक बच्चे को यह इरादा कर लो कि हम अपने एक बच्चे को इल्म दीन हासिल कराएंगे, और एक बच्चे कम से कम अपने घर में, हर एक घर से इरादा करो कि एक बच्चे को हम जामिया निजामिया बाबुल उलूम नील बनात मिसमानों में तालीम हासिल करने के लिए भेजेंगे, ताकि वो हमारे मरने के बाद हमारी निजात का जरिया बने। यहां अगर हम वहां कब्र में हो और बच्चा हमारा दुनिया से कुरान पढ़ता जाएगा, एक एक अजाब हमारे कब्र से मिटते जाएंगे, हटते जाएंगे, हटते जाएंगे। ऐसा बनाओ अपने बच्चों को। मैं हर एक घर की बात कर रहा हूं। मेरे मोहतरम बुजुर्गो दोस्तों, वक्त नहीं है, वक्त चला जा रहा है। मेरे मोहतरम बुजुर्गो दोस्तों, अब मैं अपनी तकरीर को यहीं पर खत्म करता हूं। जो बात कही गई है उस पर मुझे और आपको, हमारे गांव वालों को, पूरी दुनिया वालों को अमल की तौफीक अता फरमाए, कहने सुनने ज्यादा हमें और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। वा आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।